अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लगभग 8 महीने बाद करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो जाएगा जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसी बीच अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां आगामी 23 अप्रैल को अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 155 देशों के पवित्र नदियों के जल से बंद रहे निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। इतना ही नहीं, खास बात यह भी है, इस जल में कई मुस्लिम देशों के पवित्र नदियों के जल भी शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान सहित 155 देशों के नदियों के जल अर्पित किए जाएंगे। कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित योग गुरु बाबा रामदेव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी चर्चाएं की जा रही हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में 155 देशों में पाकिस्तान के भी जल से रामलला के मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। 2020 से जल को एकत्रित करने का कार्य करने वाले दिल्ली के विजय जौली के मुताबिक पाकिस्तान के पवित्र रावी नदी से जल मंगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान से मिले जल आसानी से भारत को नहीं मिले थे। जानिए क्या जल मुझे ट्रिनिडाड टोबैगो से भी मिला, सूरीनाम से भी मिला, मॉरिशस से भी मिला, फिजी आइलैंड से भी मिला, चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। लेकिन मुझे आशा थी कि मुझे पाकिस्तान से जल बड़ी सहजता से मिलेगा, लेकिन जब हमने पाकिस्तान में अपने मित्रों से बात की, उन्होंने हिंदुओं के उत्पीड़न की बात उठाई और उन्होंने उस जल को भेजने में अपनी असमर्थता दर्शाई। लेकिन मैंने उनको कहा कि देयर इज़ नो वर्ड बाय द नेम ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ डॉक्टर विजय जौली। मैं पाकिस्तान के अपने उन हिंदू मित्रों और भाइयों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सार्थकता से, सजगता से, सक्रियता से उस जल को, पाकिस्तान के रावी नदी के जल को पाकिस्तान से पैक करके दुबई भेजा और दुबई से मैंने उसको भारत में मंगवाने में सफलता हासिल की। इसलिए 155 देशों का जल आपने एकत्र कर लिया है, तो ये 155 देशों का जल अप्रैल में 23 तारीख को आएंगे। अनेक देशों के लोगों ने आने का सूचना दी है। मणिराम छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन हो जाएगा, उसमें संत महात्मा रहेंगे और फिर बिरला धर्मशाला के सामने मैदान में कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और जब सब आ जाएंगे तो नई जो सड़क बन रही है सुग्रीव किला रोड, इसके माध्यम से सब अंदर प्रवेश कर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने देशों का जल मंदिर निर्माण स्थल के चारों ओर भगवान को समर्पित कर देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि अनेक देशों के लोग आएंगे, इसलिए उन उन देशों के सम्मान की रक्षा और हमारा संकल्प राम जन्मभूमि के लिए था, उस संकल्प की रक्षा।